दोस्तों, अपना YouTube चैनल SSC कंस्ट्रक्शन में फिर से आप लोग को और एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताऊंगा इस डिज़ाइन का पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनाना है, कितना माप रहेगा, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो पे बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग को बस दो ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आप लोग को कोई भी तकलीफ ना हो डिज़ाइन को समझने में। सो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका लंबाई और चौड़ाई के बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये एल पैटर्न में बना हुआ है, तो वहाँ से लेके उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लगभग 48 फीट इसका लंबाई है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हो इस साइड पे तीन डिज़ाइन बनाए गए हैं, 1, 2, 3, और उस साइड पे 4 डिज़ाइन बनाए गए हैं। मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस डिज़ाइन को बनाने में सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को शटरिंग को कर लेना है सेम इसी तरीके से जिस मैं क्या हूँ उसी तरीके से शटरिंग को कर लेना है दोस्तों। और इस कॉलम से लेके और उस कॉलम तक इसका जो चौड़ाई है इस डिज़ाइन का लगभग 6.5 फीट इसका चौड़ाई है दोस्तों, और उसका जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल इसका जो चौड़ाई है 6.5 फीट और डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और दोस्तों शटरिंग करने से पहले आप लोग को सबसे पहले समझना होगा इसका हाइट आप लोग कितना दोगे, तो हाइट के बारे में भी बताऊँगा डिज़ाइन का हाइट कितना है और इसका हाइट कितना है। इस शटरिंग का जो हाइट है दोस्तों 2.5 फीट इसका हाइट है, और डिज़ाइन को बनाने के लिए आप लोग को कितना हाइट लेना पड़ेगा वो भी मैं दिखाऊँगा। देख सकते हो मिस्त्री काम कर रहे हैं अभी, यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं डिज़ाइन का दोस्तों, मिट्टी लगाकर फिनिशिंग किया जा रहा है। तो आप लोग मिट्टी के बदले में आप लोग सीमेंट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी है इसलिए मैं मिट्टी का यूज़ किया हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो आप लोग दोस्तों डिज़ाइन को जब आप लोग बनाओगे तब बोर्ड को लगा लेने के बाद शटरिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग को इसको सेंटर निकाल लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग को टेप से नाप के सेंटर को कर लेना है। सेंटर करने के बाद दोस्तों आप लोग को बोर्ड के ऊपर एक चित्र बना लेना है दोस्तों, स्केच कर लेना है सेम जिस तरीके का डिज़ाइन आप लोग बनाओगे। आप लोग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, आप लोग दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हो, सेम आप लोग को बोर्ड के ऊपर एक चित्र को बना लेना है। डिज़ाइन जिस तरीके का बनेगा उसी तरीके का बना लेना है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ईंट को लगाया गया है, ईंट को लगाने का भी प्रोसेस है, और एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था दोस्तों, तो आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। चौड़ाई है 5 फीट, तो डिज़ाइन का चौड़ाई 5 फीट लेने के बाद आप लोग को हाइट कितना लेना है आप लोग को मैं हाइट के बारे में बता देता हूँ। देख सकते हो यहाँ से ले कर यहाँ तक इसका जो हाइट है दोस्तों, मैं नाप के आप लोग को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में कोई भी तकलीफ ना हो। पूरा टॉप का हाइट है दोस्तों इसका 22 इंच इसका टॉप का हाइट है। सेंटर करके इसका टॉप पे आप लोग को हाइट लेना है 22 इंच, और इस साइड पे इसका हाइट है दोस्तों लगभग 17 इंच इसका हाइट है आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे इस राउंड को जो किया गया है, इस राउंड का हाइट है 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग कर लेना। और इसका चौड़ाई के बारे में अगर बात करूँ डिज़ाइन का चौड़ाई के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ तक इसका 18.5 इंच इसका चौड़ाई है देख सकते हो। तो 18.5 इंच आप लोग को चौड़ाई लेना है, इस तरफ सेंटर करके इस साइड पे आप लोग को 18.5 इंच चौड़ाई ले लेना है, और उस साइड पे भी आप लोग को 18.5 इंच चौड़ाई ले लेना है। और इसका हाइट मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ देख सकते हो आप लोग दोस्तों। और इसको राउंड करने के टाइम इसको आप लोग कहाँ पे ख़त्म करोगे, देखिए ये जो कॉलम है यहाँ पे कॉलम देख सकते हो, इस कॉलम के एकदम सीधा आके इसको आप लोग को इस राउंड को ख़त्म कर देना है। तो डिज़ाइन बनाने के टाइम आप लोग को स्केच कर लेना है, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से आप लोग को बोर्ड में चित्र को बना लेना है सेम जिस तरीके का डिज़ाइन बनेगा, और इसी तरीके से आप लोग को मिट्टी को लगा देना है। इस जो चित्र आप लोग बनाओगे उसका थोड़ा नीचे नीचे मिट्टी को लगा देना, और फिनिशिंग किस तरीके से किया जाता है आप लोग देख सकते हो। फिनिशिंग इस तरीके से आप लोग को बहुत ही बारीकी से आप लोग को काम को करना है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके का फिनिशिंग करना है ताकि आप लोग का डिज़ाइन जब भी बांध के रेडी हो जाएगा तब दिखने में बहुत ही कमाल का दिखे, एकदम बारीकी से आप लोग को काम को करना है। तो और मिट्टी को आप लोग इसी तरीके से लगा लेना, मैं ऑलरेडी वीडियो बना के रखा दोस्तों मिट्टी किस तरीके से लगाया जाता है, इस ईंट को किस तरीके से लगाया जाता है उसका ऊपर भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से आप लोग को फिनिशिंग को कर लेना है और मिट्टी को इसी तरीके से लगा लेना है। सो डिज़ाइन जब कंप्लीट हो जाएगा, मिट्टी जब आप लोग लगा लोगे तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूँ। डिज़ाइन जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, मिट्टी सब लगा लिए, लगा लेने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हो ये जो है दोस्तों थर्मोकोल है, तो इस थर्मोकोल को लगाना पड़ेगा, इस थर्मोकोल को लगाना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से 2 इंच करके आप लोग को कटिंग कर लेना है, मैं जिस तरीके का डिज़ाइन बनाऊंगा दोस्तों वो उस डिज़ाइन में 2 इंच का ही थर्मोकोल लगेगा। और ख्याल रखें, ध्यान रखना आप लोग, एक ही थर्मोकोल को आप लोग को लगाना है, मैं आप लोग को आगे दिखाऊँगा किस तरीके से लगाना है। तो थर्मोकोल का जब कटिंग हो जाएगा तब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर सेलो टेप लगा दिया, डिज़ाइन को
फिनिशिंग करने के लिए और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग को इस थर्मोकोल के ऊपर सेलो टेप को लगा देना है, चिपका देना है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ, 2 इंच कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद सेलो टेप को इस पर चिपका देना है, क्योंकि दोस्तों जब डिज़ाइन जब मैं कंप्लीट हो जाने के बाद इसका जब सेटरिंग जब खोल दूंगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कमाल का दिखेगा दोस्तों इसका बीट। ये सेलो टेप लगाओगे तो बहुत ही कमाल का दिखेगा इसका बीट, तो इसीलिए सेलो टेप लगा सकते हो। और थर्मोकोल को किस तरीके से लगाया जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। देखिए दोस्तों थर्मोकोल को लगाया जा रहा है इसी तरीके से, सेम आप लोग को लगा लेना है। सबसे पहले आप लोग को इस पॉलीथिन को इस तरीके से लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर थर्मोकोल का आएगा, इसका चौड़ाई है 5 इंच दोस्तों, तो 5 इंच में आप लोग को 2 इंच थर्मोकोल को इस तरीके से लगा देना है। जिस तरीके से डिज़ाइन है उसी तरीके से आप लोग को सेम लगा देना है। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों आप लोग को अगर कहीं पे भी दिक्कत होते है तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो।